तो अगर आप पोर्न देखते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योगी सरकार ने अभी हाल ही में एक अपडेट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि पोर्न देखने वाले ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए रेप केस हो जाते हैं। तो आपका क्या कहना है जिससे पे आप अपनी राय जरूर दें। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो योगी सरकार ने क्या कहा, योगी सरकार ने कहा है कि 1090 एक नंबर होगा, जब भी आप अपने फ़ोन में पोर्न एक्सेस करेंगे तो वहाँ से एक अलर्ट चला जाएगा विथ योर ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस। ठीक है, तो योगी सरकार जो पुलिस है वो आपको पकड़ लेगी। ठीक है, योगी सरकार का कहना ऐसा ही है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हम अपने फ़ोन में पोर्न एक्सेस करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा। तो हम इसको ऐसे मानते हैं कि जब हमें जब सरकार को कोई वेबसाइट्स को बैन करना होता है तो हमारे पर्टिकुलर नेटवर्क पास जाती है, यानी जियो, एयरटेल और इनके पास जाती है और बोलती है इस यूआरएल को भाई बैन कर दो। तो क्योंकि जियो को तो भाई बिजनेस करना है, एयरटेल को बिजनेस करना है इंडिया में, तो इसलिए वो बैन कर देते हैं। ठीक है, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट आपका जियो ही प्रोवाइड कर रहा है। अब मान के चलिए कि इंटरनेट आपका ये है और आपकी वेबसाइट ये है। ठीक है, अब यहाँ से आपका इंटरनेट जा रहा है, सर्वर तो वही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा रहा है तो उसको तो पता है ना कि ये तो ट्रिक ही किया गया है कि इस वेबसाइट को नहीं खोलना है। तो भाई उसको पता चल जाता है कि वेबसाइट तो भाई बैन है, इसको नहीं खोलना है। तो अब आप क्या करते हैं, आप वीपीएन डाउनलोड करते हैं, यानी आपका वीपीएन बीच में होता है। ठीक है, तो जब आपका इंटरनेट ऐसे जाता है तो वीपीएन उस इंटरनेट को दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी इंटरनेट आपका जियो ही दे रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो इंटरनेट है वो दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और आपकी वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप किस में कर रहे हैं, ये चीज़ें आप अपने क्रोम में कर रहे हैं। क्रोम को तो आपको सबको पता है ना कि क्रोम कुकीज़ को लेता है हमारे एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो कुकीज़ में बेसिकली क्या होता है कि जो हम चीज़ें सर्च करते हैं वो डाटा कलेक्ट करके और उसी प्रकार की हमें एड्स या हमें ऐसी चीज़ें दिखाता है। ठीक है, तो जब आप फोन एक्सेस करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करेंगी। तो ये जो है ये क्रोम में ही ट्रिक कर दिया जाएगा और जब आप वेबसाइट्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक अलर्ट चला जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे काम करेंगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और फोन आपको देखना नहीं चाहिए इस वीडियो के बाद। ठीक है, मैं आपको इन्फ्लुएंस ही कर सकता हूँ कि आप फोन ना देखें। फोन क्योंकि वैसे भी ख़राब चीज़ है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों लत लग जाती है इन चीज़ों की। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में अपना टाइम ना वेस्ट करें, आप अपना टाइम को कहीं और लगाएं। आप कुछ भी करें, वीडियोस बनाएं, यूट्यूब बनाएं या आप कंप्यूटर चलाएं, गेम खेलें, ऐसी चीज़ें करें, फ़ोन को अवॉइड करें जितना भी हो सके अवॉइड करें। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको एक दलदल में ही ले जाती हैं। और बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 50 टेक लग गए हैं क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत आ रही थी, क्योंकि इधर खिड़की के बगल जो गली है वहाँ पे गाड़ी बहुत जा रही थी, इसलिए मुझे 50 टेक लगे हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए। ठीक है, तो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथ शेयर करें और चैनल नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोज़ को डालूँ तो आपके आपके पास नोटिफिकेशन जरूर